फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वेट लॉस की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बन भी जल्दी जाती है और आपकी वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्प्राउटेड मूंग दाल और स्प्राउटेड जो काले चने होते हैं उनका चीले की रेसिपी आपके लिए शेयर कर रही हूँ। प्रोटीन से भरपूर ही है, चीला बनता है, बनता भी जल्दी है और कोई खिटपिट भी नहीं है इसको बनाने में। सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में आप इस चिली को ज़रूर शामिल कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल स्प्राउटेड चने और हरी मूंग को लिया हुआ है, ये भी स्प्राउटेड, दोनों स्प्राउटेड चीज़ें ली हुई हैं। इन्हें हमें एक मिक्सर में बारीक पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, वो हम इसमें डालें। इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है 1/4 चम्मच। 2 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली हींग है तो मैंने इसलिए बहुत ही कम हींग ली है। लेकिन हींग आप इसमें ज़रूर डालिए क्योंकि हींग से आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें 2 चम्मच ताजी दही ऐड करूंगी, खट्टी दही नहीं है बिल्कुल भी, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आने वाला। और इस पेस्ट को हम इस दही के साथ 1 मिनट और चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बैटर, चीले का बैटर एकदम तैयार है। इससे हमारे 3 के करीब चीले आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। आपके घर में जितने लोग हैं आप उस हिसाब से अपना बैटर तैयार कीजिए। तो चलिए इसके चीले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तवा थोड़ा गर्म हो रहा है। तो हमारा तवा गरम हो चुका है तो इसमें मैं अपना बैटर डालूंगी। मुझे कटोरी से ज़्यादा पसंद है बैटर डालना तो मैं कटोरी से डाल दूंगी। देखिए पतला सा फैला लेंगे इसको। तो देखिए हमारा चीला इस पर डल चुका है, इसको धीमी आंच पर करीब 1 से 2 मिनट या इसका कलर चेंज होने तक इसको सिकने देंगे और ये अपने आप ही तवे को छोड़ देगा। आँच को लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। आप इन चीलों को नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएं क्योंकि स्प्राउट की वजह से थोड़े चिपकते हैं। और अगर आप इस बैटर को 2 से 3 घंटे थोड़ा सा बनाकर रख देते हैं तो ये बनने में थोड़े आसान हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा चिपकते ज़रूर हैं। देखिए नीचे से पक चुका है तो इसको हम पलट देंगे धीरे धीरे उठाते हुए चारों तरफ से। तो देखिए मैंने अपना चीला पलट दिया है। अगर आपको इस चीले में बनाने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप क्या कीजिए, अपने बैटर में 2 चम्मच सूजी डाल लीजिए तो ये इजीली उठ जाएगा। तो हमारा चीला बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम फ्लिप करेंगे और इस पर थोड़े से प्याज डालेंगे, थोड़े टमाटर, थोड़ा सा इस पर नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पनीर किसका डालेंगे जो हाई प्रोटीन है काफ़ी। तो हमारा चीला बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमने ज़रा सा भी एक चुटकी ऑयल नहीं डाला है तो काफ़ी अच्छा चीला बनकर तैयार हुआ है ये। बस देखिए अपनी डाइट में इस टाइप की चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। इसको ऐसे पलट कर दबा लेंगे इस चीले को और पैन आउट कर लेंगे इसको। इसी तरीके से हम अपने सारे चीले सेक। इस तरीके से इस वाले बैटर में मैंने 2 चम्मच सूजी डाली थी तो ये बहुत ही जल्दी निकल कर तैयार हो जाएगा। आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगे, बिना सूजी के आपको अच्छा लगे तो आप बिना सूजी के बनाइए। और अगर आपको इसको उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी मिला लीजिए इतने बैटर में। देखिए इसमें हमने सूजी डाली है तो ये अपने आप ही तवे पे कितना अच्छे से डांस कर रहा है। तो बस थोड़ी सी इसमें सूजी ज़रूर डाल दीजिए अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है। मैंने इसे फ्लिप कर लिया है। बहुत ही अच्छे चीले बनकर ये तैयार होते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो, वेट लॉस पर हो, डाइटिंग पर हो तो प्लीज़ ये चीले ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी डाइट में, आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। और अगर आप
इस तरीके की रेसिपी मुझसे आगे और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वेट लॉस रेसिपी आगे लाती रहूँगी। फ्लिप करेंगे इसको भी, इस पर भी अपने प्याज टमाटर डाल देंगे। और अगर आप इसमें स्टफिंग ना भरना चाहें तो भी ये चीले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ मसाले और हरी मिर्ची वगैरह डाली है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको ये नहीं डालना हो प्याज टमाटर तो आप सिंपल भी खा सकते हो चटनी के साथ, सॉस के साथ, आपको जैसे भी पसंद हो वैसे। तो देखिए हमारे मूंग दाल स्प्राउट चीले एकदम बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अपने ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी ज़रूर शामिल कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब की लाइक और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।